को आश्वस्त किया है कि ब्राह्मणों के लिए कुछ विशेष सरकार लाएगी और ये प्रस्ताव योगी सरकार तक पहुंचाने का उन्होंने संकल्प किया है। तो देखना है कि ब्राह्मणों के लिए क्या सौगात वो देंगे इस 2022 के आगामी चुनाव में। में सबसे ज्यादा किसी भी स्थिति में नंबर एक ग्रेड में ब्राह्मणों का ही आप देखेंगे, वहाँ वो अपना निरीक्षण निर्देशन होता है। तो आरक्षण के मुद्दों में भी अगर हम देखें तो ब्राह्मणों को कोई आरक्षण नहीं मिला है। ब्राह्मणों ने कभी भी उस प्रकार की दिखाया नहीं, वो जोश दिखाया नहीं कभी, जिस प्रकार से अन्य समाज, क्योंकि सब समाज हमारा ही है, निर्देशन ही करता है, लेकिन क्या कि जब मुखिया ही बिगड़ जाएगा तब सबको कौन संभाले। तो इस दृष्टि से कभी समाज, क्योंकि विवेक विशेष होने के कारण से उन लोगों ने कभी भी इस प्रकार की अमर्यादित मांग नहीं की। भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि वो संतोषी होते हैं। संतोष होने के साथ साथ अभी जो एक स्थिति हम देखने में आ रही है कि समाज अब जागृत हो रहा है, और जागृत होते होते क्योंकि अन्य समाज भी इनके प्रति जागृत, सरकारें भी जागृत हो रही हैं, जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, तो सरकार को भी मालूम है, उनको भी ये दिख रहा है कि इनके बिना काम चलने वाला नहीं। तो हमको लगता है आने वाली, और विशेष करके योगी एवं हमारी मोदी सरकार, उनको अब उनके चिंतन में, उनके दिमाग में उनके प्रति विशेष, क्योंकि जगह जगह आप देखें, हमारे अयोध्या है, काशी है, अथवा मथुरा की बात है, तो इन महापुरुषों की, संतों के चरणों में बार बार इनका प्रार्थना एवं उनके मिलना इनका रहता ही है। तो इसलिए आगे इस समाज का उत्थान समाज सरकारें करेंगी, ऐसी आशा पूरे चित्त में सभी समाज के अंदर है। जय श्री राधे। दिया गया है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जो युवा पीढ़ी है, छात्र छात्राओं से उनसे संवाद की, आगे आने वाले समय में क्या हम लोगों के, उन लोगों के लिए दिशा के लिए कैसी नीति और निर्धारण करें जिससे रोजगार परक शिक्षा हो, हमारे नौजवानों को आमदनी के जरिए मिलें, और जो प्रावधिक शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में राष्ट्र जो विश्व पटल पर भूमिका निभाएगा, वो जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन की जो फौज है छात्र छात्राओं की, वो ही निर्धारित करेगी। तो वो संवाद में मथुरा की धरती पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जहाँ तक यहाँ समाज के प्रबुद्ध लोगों से विचार विमर्श हुआ है, आगे की समस्याएं और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि कैसे समाधान निकाला जाए और कैसे और सशक्त बनाया जाए और समाज के हितों की रक्षा की जाए। धन्यवाद।